बार बार लाइव आकर लोगों को जवाब देने से बेहतर है कि आप अपना काम इतने बेहतर ढंग से कीजिए कि जवाब ट्रेंडिंग दे। जी हाँ, ये बात खरी उतरती है पवन सिंह पर। लाइव वो बार बार नहीं आते खेसारी की तरह, और अपने काम से जवाब वो देते हैं ट्रेंडिंग में नंबर वन आकर। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि पुदीना ए हसीना सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। सॉन्ग महज 7 घंटे में ही 2 मिलियन व्यूज़ का भी आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। ट्रेंडिंग में नंबर वन की पोजीशन पर म्यूज़िक में बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये गाना जैसे ही रिलीज़ हुआ, सभी को पता चल गया कि गाना ट्रेंडिंग में जाएगा ही। गाना पहले वाले पुदीना के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। जो लोग ये कहते हैं पार्ट वन से पार्ट टू कभी बेहतर नहीं हो सकता, तो भाई हम ये कहेंगे कि ये गाना वाकई बहुत बेहतर है। हाँ, आपको पार्ट वन वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं देगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पार्ट वन को कंटिन्यू किया गया है। बिल्कुल बहुत ही कसी हुई लिरिक्स के साथ आया है। आप ये कह सकते हैं एक बार सुनने पे तुरंत कैची सॉन्ग नहीं लगता है, लेकिन आप इसे अगर दोबारा या तिबारा सुनेंगे तो आप पूरी तरह से ये पाएंगे कि ये गाना बहुत ही खूबसूरत। और ये जो काम किया है इस गाने में पवन सिंह ने, भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ वो कर सकते हैं, क्योंकि बार बार गाने की जो ट्यून चेंज हो रही है, एक सिंगर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ट्यून के मुताबिक बार बार ट्यून जो चेंज होती है। आप देखेंगे जैसे ही गाने की शुरुआत होती है तो गाना पार्ट वन वाले पुदीना की याद दिलाता है, फिर बीच में वापस ट्यून चेंज हो जाती है, और लास्ट में फिर से ट्यून चेंज होती है। लगातार ये गाना अपने ज़बरदस्त वीडियोग्राफी के कारण आपका अटेंशन ग्रैब करने में सक्सेस रहता है। एक और पवन सिंह का बेहतरीन गाना, और इसे आप अगर पार्ट वन से कंपेयर नहीं करेंगे, सिंगल सिर्फ इसी तरह देखेंगे कि हाँ एक लेगेसी को आगे बढ़ाई गई है, तो आप गाना फुल टू एंजॉय करेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।